रेड के लिए 4 लोग गए थे ना? जी सर। भारत और 2 ऑफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए। तुम तो बहुत लकी हो। सब ऊपर वाले की दया साहब। ऊपर वाले की दया तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए बीवी के नाम पे 50 लाख का फ्लैट खरीदा है। क्या बात कर रहे साहब? नहीं साहब, ये सब तो मुझे सब पता है। इसमें कौन कौन मिला है मैं सब जानता हूँ। तुझ जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन देता हूँ तुझे। फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एनकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। चुप। सेकेंड ऑप्शन, तू अगर अपने आप को मार ले तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा, तुझे सम्मान मिलेगा और तेरे परिवार को इज्जत की रोटी। सोच ले, चॉइस इज योर्स। अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुक जाएगी। एसीपी भरतराज ने सुसाइड नहीं किया, उसे प्लान करके मारा गया है। Yeah, I know. पुलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा, ये सबको दिखाना पड़ेगा। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस इकट्ठा करूंगा। विल गो अंडर कवर, बट आई नीड स्पेशल टीम फॉर दैट। गो अहेड अभिषेक, बट बी केयरफुल। होम मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर, वो अभिषेक वो अंडर कवर ऑफिसर, ये हमें भी पता है। तू किस बात का कमिश्नर है? अब सरकार की खाकी वर्दी पहन के कैप बैच स्टार लगा के सिर्फ बैठ गया है डैडी। सॉरी सर, उसके आने का असली मकसद वही था सर। जब हमने पता लगा लिया उसके बाद बताने का क्या फायदा? उस शुभकर ने कुछ एविडेंस और प्रूफ छुपा के रखा था क्या? वो अभिषेक को मिला है ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं सर, अभिषेक इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो एनकाउंटर भी सिग्नेचर करने के जैसा करता है सर। उसकी तारीफ करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको टारगेट करके आया है सर। उस अभिषेक को यहाँ भेजा है होम सेक्रेटरी रघुनंदन ने सर। रघुनंदन, हेलो। नेताओं के साथ आगे पीछे घूम घूम कर आजकल तुम भी नेतागिरी करने लगे हो क्या? मेरे राज्य में आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस दुर्गा प्रसाद के पीछे पुलिस वालों को लगाया क्या? अभिषेक को बोलो कि वो इस केस को वापस ले ले। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, अच्छे से जानते हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे, अभिषेक साइलेंट ऑफिसर नहीं है, वायलेंट ऑफिसर है। तुम्हारी धमकियों से वो डरने वाला नहीं है। इस समय वो आदि कहाँ है, उसे एक बार कॉल करो। सर, उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है सर। फिर से एक बार कोशिश करो। ठीक है सर। सर, रिंग हो रही है। हेलो। आदि, सर वहां देखिए। आदि, सर फिर से उसी नंबर से फोन आ रहा है। कौन है बे तू? हाँ, किसने मारा मेरे बेटे को? ए, मैं तुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया, यही सोच रही है ना? ए पागल, तूने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने तुझसे अपना किडनैप करवाया।
भैया मिल गए, एक छोटा सा चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। इस बात का तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जरा पीछे मुड़ के देख ले। तुझे कौन बचाएगा ये सोच मासूमों पे हमला करने वाले दरिंदे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फैमिली में तुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है, अब तुझे पता चलेगा दुर्गा प्रसाद। hey, तुमसे मेरा क्या लेना देना है, है? बिहार डीसीपी भरतराज, मैं वही डीसीपी भरतराज की बहन हूँ। hey, ज्यादा उड़ मत। भूल गई है क्या, तेरे भाई को कैसे मारा था मैंने? मैं कुछ भी नहीं भूली, उसी बात को तुझे याद दिलाने के लिए तेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरे भैया अभिषेक भार्गव तेरे लिए यमराज बन के आए हैं। तेरी पलक झपकने से पहले ही तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए तेरे सामने होंगे। जेल में बैठकर पार्टी करते हो? चल बे, चल मेरे साथ।